वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेके आ गया हूं आपके लिए दो कमाल के फोन जो आज के ही दिन लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों बात करने जा रहा हूं पोको M3 की और IQ Z3 की। दोस्तों दोनों की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, दोनों के फीचर्स के बारे में करेंगे बात। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए मेरा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पोको M3 की। दोस्तों अगर पोको M3 की हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, 6GB और 128GB स्टोरेज, और वहीं 4GB और 64GB स्टोरेज। दोस्तों बढ़ते हैं आगे प्रोसेसर की तरफ। दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात की जाए इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर, जो एक मिड रेंज का बहुत अच्छा प्रोसेसर है। दोस्तों अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए दोस्तों इसमें मिलता है 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देगा। दोस्तों पोको M3 एंड्रॉइड 11 बेस्ड है जो रन करता है MIUI 12 पे। दोस्तों अगर कैमरा सेटअप की बात की जाए तो पोको M3 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों प्राइमरी कैमरा इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको 48MP का, जिसका अपर्चर आपको 7.9 देखने के लिए मिल जाएगा। 2MP का मैक्रो कैमरा मिलेगा 2.4 अपर्चर के साथ, वहीं 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा मिलने वाला है। दोस्तों अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए इसमें आपको 8MP का फ्रंट कैमरा भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो बहुत ही कमाल का कैमरा है। दोस्तों अगर आगे बात की जाए इसकी कनेक्टिविटी की तो इसमें दोस्तों आपको ड्यूअल सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा और दोनों सिम आप नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑलमोस्ट सारे नेटवर्क को सपोर्ट करता है, चाहे आप बात करें 5G की, 4G की या 2G, मतलब सारे ऑलमोस्ट नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है। दोस्तों और अगर बात की जाए दोस्तों सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है, USB टाइप सी के साथ इसमें 3.5mm का जैक भी दिया गया, जो बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें मिलने वाली है आपको 5000mAh की बिग बैटरी, जो आपको 18W के फास्ट चार्जर के साथ भी मिलने वाली है। दोस्तों अगर प्राइस की बात की जाए इसका प्राइस निकल के आया 17,999 रुपीज़। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले फ़ोन IQ Z3 की तरफ। दोस्तों IQ Z3 की अगर बात की जाए 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए इसके प्रोसेसर की, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G का प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा, 8GB रैम आपको मिल जाएगी 256GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों अगर बात की जाए इसमें फोटोज और वीडियोज की तो इसमें आपको मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जो आपको 64MP का प्राइमरी सेंसर देखने के लिए मिलेगा 1.79 के लेंस के साथ। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों सेकेंडरी कैमरा की, 8MP का अल्ट्रा वाइड शूटर मिलेगा आपको और 2MP का सेंसर मिलेगा दोस्तों 2.4 अपर्चर के साथ। वहीं अगर सेल्फी और वीडियो चैट की बात की जाए तो इसमें आपको दिया गया 16MP का एक जबरदस्त कैमरा, जो आपकी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा कर देगा। दोस्तों अब बात की जाए इसकी कनेक्टिविटी की तो इसमें 5G 4G LTE ब्लूटूथ 5.1 USB टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इसमें जो मिसिंग है वो है, मतलब आपको इसमें 3.5mm का जैक देखने के लिए नहीं मिलने वाला। लेकिन दोस्तों अगर बैटरी की बात की जाए तो इसमें मिलने वाली है आपको 4400mAh की बैटरी, जो 55W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो निकल के आया वो है 19,999 रुपीज़। दोस्तों दोनों ही फ़ोन अपने आप में बहुत कमाल के फ़ोन है। दोस्तों बिग बैटरी आपको देखने के लिए मिल रही है दोनों फ़ोन में, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, प्रोसेसर बहुत कमाल के, और कैमरा तो बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ये वीडियो और दबा दीजिए बेल आइकन मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।